हाय गाइस, आज मैं आपको डुअल कंसेप्ट की फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, लेकिन ये एडिटिंग सभी एडिटिंग से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो आपको ये एडिटिंग को सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए गाइस, बिना देखे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सर ऐड आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पिक्सर ऐड आपको ओपन कर देता हूँ। तो गाइस, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो सबसे पहले आपको ओपन होने के बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करेगा, आपको एडिट फोटो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं एडिट फोटो पर क्लिक कर चुकी हूँ। सो गाइस, अभी आपको क्या करना है कि व्हाइट बैकग्राउंड को लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड को ले जाना है। तो यहाँ पर मैं व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर चुकी हूँ। अभी गाइस, आपको क्रॉप करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको टूल्स पर क्लिक करना है। सो गाइस, ये रहा टूल्स का ऑप्शन। सिंपल आपको टूल पर क्लिक करना है एंड गाइस, आपको क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इंस्टाग्राम की पोर्ट्रेट साइज को क्रॉप कर लेना है। और गाइस, आपको यहाँ पर डन करके आपको क्या करना है, फिर से आपको टूल्स पर क्लिक करना है और गाइस, आपको रिसाइज पर क्लिक करके यहाँ पर हाइट को चेंज कर लेना है। आपको रखना है 3873 रखना है। अभी गाइस, हमें जो बैकग्राउंड की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, अभी हमें क्या करना है, ऐड फोटो चलना है। ऐड फोटो जाकर के पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन। सिंपल आपको ऐड फोटो क्लिक करना है एंड गाइस, आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको एक पीएनजी को ऐड कर लेना है, बैकग्राउंड की एक पीएनजी को। ये पीएनजी को ऐड करके यहाँ पर आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है, फुल स्क्रीन कर देना है। सो गाइस, आपको इस तरह से फुल स्क्रीन करके यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपेसिटी को डाउन करना पड़ेगा। सो गाइस, ये रहा ओपेसिटी का ऑप्शन। सिंपल आपको ओपेसिटी पर क्लिक करना है और गाइस, ओपेसिटी को डाउन करके आपको 60 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 60 रखता हूँ और गाइस, यहाँ पर डन कर लेना है। तो गाइस, आपको इस तरह से इसी तरह आपको बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेना है। अभी गाइस, आपको फिर से आपको ऐड फोटो जा करके यहाँ पर आपको अपनी मॉडल की पीएनजी को, अपनी जो पीक को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं पीक को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, आपको इस तरह से पीक को दो पीक क्लिक करना पड़ेगा। तो पहली पीक को इस तरह से ऐड करके सिंपल आपको ऊपर इधर आपको इस तरह से एडजस्ट करना है और गाइस, आपको इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज कैसे करना है, सिंपल आपको इरेज बटन पर क्लिक करना है और गाइस, आपको इरेज बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हार्डनेस को रखना है आपको 96 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 96 रखता हूँ और गाइस, आपको साइज को कम करके आपको रखना है आपको 16 के आसपास। और गाइस, आपको इस तरह से जूम करना है मॉडल को छोड़ करके, आपको बैकग्राउंड को इस तरह से इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं साइज को और भी थोड़ा प्लस कर देता हूँ और गाइस, आपको इस तरह से बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से इरेज हो चुकी है। अभी गाइस, आपको फिर से इरेज करना पड़ेगा। तो कैसे इरेज करना है, सिंपल आपको फिर से आपको इरेज बटन पर क्लिक करना है और गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर इरेज की जो अमाउंट को, तो आपको हार्डनेस को 0 रखना है और ओपेसिटी को रखना है आपको 55 के आसपास और साइज को रखना है आपको 42 के आसपास। और गाइस, आपको इस तरह से जूम करना है और नीचे की तरह आपको हल्का हल्का सा इरेज करना है। इरेज करके आपको बैकग्राउंड के साथ मैचिंग करना है। तो इसी तरह ही बैकग्राउंड के साथ आपको इस तरह से इरेज करके आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर मैं ओपेसिटी और भी थोड़ा डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर साइज को थोड़ा प्लस कर देता हूँ। सो गाइस, इस स्टेप से आपको हल्का हल्का सा इरेज करके आपको बैकग्राउंड के साथ मैचिंग कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज कर चुका हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह ही बैकग्राउंड को इरेज करना है। अभी गाइस, आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो यहाँ पर डन करके बैक चलना है। अभी गाइस, आपको फिर से आपको ऐड फोटो जा करके यहाँ पर आपको एक लाइट पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको ये लाइट पीएनजी को ऐड करना है और गाइस, ये सभी पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली जाकर डाउन कर सकते हो। और ये लाइट पीएनजी को आपको ब्लेंड मोड को स्किन कर लेना है। स्किन करके आपको इस तरह से यहाँ पर गर्दन के पास आपको इस तरह से रख लेना है। रख करके आपको क्या करना है, ओपेसिटी थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको ओपेसिटी डाउन कर लेना है। डाउन आपको कितना रखना है, आपको डाउन रखना है 67 के आसपास। सॉरी गाइस, यहाँ पर और भी थोड़ा डाउन कर देना आपको 58 के आसपास। और गाइस, आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। अभी गाइस, आपको क्या करना है, ऐड फोटो जा करके आपकी एक फिर से आपको एक पीक को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर मैं ये पीक को ऐड कर लेता हूँ। इसको भी बैकग्राउंड को मैं पहले से इरेज कर दिया हूँ, आपको भी उसी तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। और गाइस, आपको इस तरह से आपको नीचे इधर आपको एडजस्ट करना है, हल्का सा राइट इधर आपको एडजस्ट करना है क्योंकि हमें लेफ्ट इधर की टेस्ट बेंच को ऐड करना है। तो सिंपल आपको इस तरह से रख लेना है और गाइस, आपको यहाँ पर शैडो क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है एंड गाइस, आपको ऐड फोटो जा करके यहाँ पर आपको एक शैडो का पेंज को ऐड कर लेना है। सो गाइस, ये शैडो पेंज को ऐड करके सिंपल आपको इस तरह से जूम करना है और गाइस, शैडो पेंज को इस तरह से छोटा करके आपको पैर के नीचे, आपको शू के नीचे आपको इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पर मैं ठीक से एडजस्ट कर लूँगा, हल्का सा रोटेट करके
यहाँ पर मैं सू के नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गैस आप अभी आपको लेयर पर क्लिक करना है एंड गैस आपको मोब डन कर देना है। तो गैस पीछे जा चुकी है, सू के नीचे जा चुकी है। सो गैस आपको इसे से एडजस्ट करके यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट बना देना है। तो ये डुप्लीकेट को फिर से आपको मोब डन करके यहाँ पर आपको ये सू के नीचे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से एडजस्ट करके आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो यहाँ पर डन करके बैक चल रहे हैं। तो गैस बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दोनों मॉडल ऐड हो चुकी है। अभी कैसे यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ा रिम लाइट क्रिएट करना है। तो रिम लाइट कैसे क्रिएट करना है, सिंपल आपको रिम लाइट नहीं यहाँ पर डॉज इफेक्ट क्रिएट करना है। सो वैसे अभी आपको टूल्स पर क्लिक करना है, आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है और कैसे आपको ब्राइटनेस को आपको 30 के आसपास प्लस करके आपको इरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन्वर्ट करके आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है। हार्डनेस को 0 रखना है, ओपेसिटी आपको रखना है 44 के आसपास और गैस आपको साइज को थोड़ा कम कर देना है। कम कितना रखना है आपको 46 के आसपास और गैस आपको इस तरह से जूम करना है। जूम करके आपको क्या करना है, इस तरह से डॉज इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो गैस यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से डॉज इफेक्ट को अप्लाई कर चुकी हूँ। अभी आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। अभी कैसे आपको क्या करना है, आपको कबूतर नहीं यहाँ पर बर्ड्स का पेंज को ऐड कर लेना है। बहुत सारे बर्ड्स पेंज को ऐड करके यहाँ पर आपको क्या करना है, कहाँ पर एडजस्ट करना है, इस स्टेप से ऐड करके इस स्टेप से आपको ये लाइट पेंज के ऊपर आपको इस स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। तो गैस बहुत ही अमेजिंग लगेगा ये बर्ड्स पेंज को ऐड करने के बाद। सिंपल आपको ऐड करके फिर से आपको एड फोटो चलना है और गैस आपको अभी आपको एक स्टाइलिश टेस्ट पेंज को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको ये टाइलिश टेस्ट पेंज को यहाँ पर ऐड करके लेफ्ट तरफ आपको एडजस्ट कर लेना है। अभी कैसे यहाँ पर डन करके बैक जाना है और बैक जा करके अभी आपको क्या करना है, इमेज को सेव कर देना है, उसके बाद लाइटरूम पर इनपुट कर देना है कलर कर्सन के लिए। तो गैस यहाँ पर मैं लाइटरूम ऐप पर ये पिक को ओपन कर चुकी हूँ। आपको यहाँ पर ओपन करके सबसे पहले आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। तो सिंपल आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है एंड गैस आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा प्लस कर देना है, आपको 6 रखना है और गैस आपको शैडोज को इस तरह से प्लस कर देना है। शैडोज को आपको कितना रखना है, आपको 13 के आसपास रखना है और व्हाइट्स को इस तरह से डिक्रीज कर लेना है, डिक्रीज आपको 6 के आसपास रखना है। अभी कैसे आपको कलर टूल पर क्लिक करके आपको वाइब्रेंस को इस तरह से प्लस कर देना है। तो वाइब्रेंस को आपको अभी 0 रखना है, तो बाद में कैसे प्लस करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। सो गैस सबसे पहले आपको मिक्स टूल पर क्लिक करना है और गैस आपको मिक्स टूल पर क्लिक करके यहाँ पर जो सेकंड कलर की लुमिनस को यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि जो फास्ट मॉडल की फेस पर ज़्यादा सेचुएशन था, इस तरह से यहाँ पर मैं सेचुएशन को माइनस करके यहाँ पर खत्म कर दूंगा। यहाँ पर मैं 30 रखूंगा और लुमिनस को हल्का सा प्लस कर दूंगा। अभी गैस आपको यहाँ पर पहले कलर पर क्लिक करके आपको हल्का सा यहाँ पर आपको लिप्स को रेड करने के लिए आपको हल्का सा प्लस कर देना है सेचुएशन को और यहाँ पर डन करके बैक चलना है। अभी गैस आपको वाइब्रेंस को इससे प्लस करना है। तो वाइब्रेंस को कितना प्लस रखना है, आपको रखना है 37 के आसपास। तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अभी गैस आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर क्लैरिटी को हल्का सा प्लस कर देना है। क्लैरिटी को आपको 6 के आसपास रखना है और डीएच को भी हल्का सा प्लस कर देना है, आपको 4 के आसपास रखना है और गैस आपको डिटेल्स टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शार्पनेस को इससे प्लस कर देना है और यहाँ पर आपको मास्किंग को हल्का सा प्लस कर देना है और नॉइजिंग को हल्का सा प्लस करके यहाँ पर कलर नॉइजिंग को हल्का सा प्लस कर देना है। सो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर एडिटिंग को देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही एडिटिंग हो चुकी है। सो गाइस आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा मिलता है अगले किस वीडियो में।